तो आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो आपको मिलेगा ही, तो हमारा क्वेश्चन है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस या अंतर, कि डीएनए और आरएनए क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, तो ये देखेंगे। और इसी के साथ इसकी बेसिक जानकारी भी देखेंगे कि डीएनए आरएनए ये आते कहाँ से हैं। तो सबसे पहले डीएनए में हम अंतर देखेंगे, तो अंतर करने के लिए हम यहां पर पॉइंट वाइज लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं डीएनए और इधर लिख देते हैं आरएनए। आरएनए अब अंतर देखने से पहले पहले ये देखेंगे कि ये डीएनए आरएनए आया कहां से। सबसे पहले तो पहले पॉइंट पर आप लिखेंगे इसका पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम या फुल नेम कभी कभी पूछ लेता है, तो डी ऑक्सी राइवो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइवो न्यूक्लिक एसिड, और यहां पर आपको ध्यान रखना है आरएनए का पूरा नाम, जो आरएनए है आरएनए का पूरा नाम, पूरा नाम, तो इसे कहते हैं राइवो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि इसका नाम, अगर आपने डीऑक्सी राइवो न्यूक्लिक एसिड का नाम याद रख दिया तो ये अपने आप से देखो यहां पर लिखा है राइवो न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम क्या होता है राइवो न्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सी और लगा देना तो ये हो जाएगा डीएनए का, और आप इसको हटा दोगे तो ये हो जाएगा आरएनए का पूरा नाम। अब देखते हैं ये आरएनए डीएनए आए कहां से हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कुछ जानकारी देख लेते हैं कि बेसिक ये डीएनए आरएनए आए कहां से। तो सबसे पहले आपको पता है जो मेंडल थे, मेंडल द्वारा वंशागति की खोज की गई थी, जेनेटिक्स की खोज की गई, और आपको ध्यान रखना है यहां पर मिसर द्वारा न्यूक्लिन की खोज की गई, अब ये कैसे हुआ, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है जब मेंडल ने वंशागति के नियम दिए थे जेनेटिक्स, तो उस समय फ्रेडरिच मिसर थे, तो मिसर द्वारा न्यूक्लिक की खोज हुई थी न्यूक्लिन की। अब उसी समय पर यह माना गया था कि जो गुणसूत्र हैं, तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, जो गुणसूत्र हैं वो प्रोटीन और ये कहा जाता डीएनए, इन दोनों के बने होते हैं। प्रारंभ में ये माना जाता है गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए के बने, लेकिन इसी में विवाद हुआ कि अनुवांशिक पदार्थ को लेकर, कि अनुवांशिक
पदार्थ जो अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है या प्रोटीन? कि डीएनए या प्रोटीन में से एक होगा, कि प्रोटीन है या डीएनए है अनुवांशिक पदार्थ, तो आपको ध्यान रखना। इसी के साथ जब विवाद बढ़ता गया तो इन्होंने जो फ्रेडरिच मिसर थे ये वैज्ञानिक, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बताया कि प्रारंभ में तो यह माना जाता था कि अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है, अनुवांशिक पदार्थ है वो प्रोटीन है, और कब माना जाता था आपको ध्यान रखना है, प्रारंभ में माना जाता था कि प्रोटीन है। लेकिन यहीं पर बाद में आपको ध्यान रखना है, बाद में पता चला, और बाद में कैसे पता चला, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हुआ। से प्रमाणित हुआ कि जो अनुवांशिक पदार्थ है पदार्थ वो डीएनए है, डीएनए। अब बात होती है ये डीएनए आरएनए ये हैं क्या, तो यहां पर ही क्वेश्चन आता है। बाद में जो अनुवांशिक पदार्थ को लेकर थ्योरी आई थी तो उनमें ये बताया गया जो डीएनए है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड, एसिड इस पर चर्चा हुई, न्यूक्लिक अम्ल पर। लेकिन आपको ध्यान रखना है न्यूक्लिक एसिड ये कहां से आया, न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले शुरुआत में विवाद हुआ था न्यूक्लिक एसिड पर, कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या प्रोटीन या आरएनए होता है। तो न्यूक्लिक एसिड को बाद में जब प्रयोग द्वारा जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में देखा गया कि डीएनए है, तो उसी में यहां पर न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड है आपका, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये न्यूक्लिन नाम है, इसे न्यूक्लिक एसिड किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना है पहले तो नाम न्यूक्लिन था इसका, और बाद में नाम न्यूक्लिक एसिड किसने दिया आपको ध्यान रखना है, अम्ल। और इसके ही आपको ध्यान रखना है दो चीजें और, रासायनिक संरचना, जो संरचना है वो किसने बताई। तो ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब जो ये वैज्ञानिक आए थे फ्रेडरिच मिसर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था, आपको ध्यान रखना है, जो मिसर थे इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्यों कहा आपको ध्यान रखना है, मिसर ने क्या कहा कि जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में न्यूक्लिन, ये उन्हें कहां मिला, तो उन्होंने कहा कि अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो न्यूक्लिन पाया जाता है वो न्यूक्लिन में एक ऐसा रासायनिक पदार्थ था जिसके फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, और ये कहां से प्राप्त हुआ था, फास्फोरस की मात्रा अधिक थी और ये प्राप्त हुआ था आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियस, केंद्रक से, केंद्रक से प्राप्त हुआ था, और इन दोनों को मिलाकर इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया, मिसर ने कहा ये न्यूक्लिन है, कि मतलब ऐसा पदार्थ है जो कहां से प्राप्त हुआ है, आप कहोगे फास्फोरस, जो न्यूक्लियस से प्राप्त हुआ है जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है, और उसे नाम दे दिया मिसर ने न्यूक्लिन। लेकिन न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, तो न्यूक्लिक एसिड आपको ध्यान रखना है अल्टमान,
अल्टमान ने बताया कि न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड, ये तो एक नाम दे दिया, पहला आपको ध्यान रखना है नाम किसने दिया, तो अल्टमान ने दिया था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अल्टमान ने ही ये बताया कि न्यूक्लिक एसिड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय होते हैं, और तभी नाम पड़ा, इसका नाम दे दिया इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल। फिर आपको ध्यान रखना है इसी में जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी संरचना, रासायनिक संरचना जो हम लिखते हैं हेक्सागोनल टाइप से, इस टाइप से जो संरचनाएं होती हैं उनकी खोज किसने की, तो आपको ध्यान रखना है कॉसले, कॉसले ने इनकी खोज की थी। कॉसले एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने किसकी, इनकी रासायनिक संरचना के बारे में बताया, और इसलिए इन्हें 1910 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था कॉसले को। तो ये सब बातें किसके ऊपर चल रही थी, यहाँ से कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है। प्रारंभ में ये माना जाता था कि प्रोटीन है हमारा, लेकिन बाद में पता चला कि डीएनए है, और ये सब क्या है, न्यूक्लिक एसिड पर बेस्ड था। न्यूक्लिक एसिड प्रारंभ में आपको न्यूक्लियन नाम दिया, फिर न्यूक्लिक एसिड नाम पड़ा, फिर उसकी संरचना बताई। इतना सब होने के बाद, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद, बाद में पता चला कि न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। और वो कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना एक को कहा गया डीएनए और दूसरे को कहा गया आरएनए। अब हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो न्यूक्लिक एसिड पर जो चर्चा हो रही थी वो क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लिक एसिड कहाँ से, जो डीएनए है आरएनए वो कहाँ से आए हैं, तो आप कहोगे न्यूक्लिक एसिड से, मतलब न्यूक्लिक एसिड के प्रकार हैं डीएनए आरएनए, और इन्हीं को हमें देखना है कि डीएनए आरएनए क्या होता है। तो आपकी समझ में आ गया, डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड के प्रकार हैं कौन, डीएनए आरएनए। और पहले ये चर्चाएं हुई थी कि न्यूक्लिक एसिड में अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए है या आरएनए है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये नाम वगैरह वैज्ञानिक समय पर प्रयोग करते रहे अपने, और बाद में जो डिस्कर्स हुआ तो निकला कि डीएनए आरएनए दो प्रकार हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के। तो ये किसके प्रकार हैं, तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के ये प्रकार हैं जो हम पढ़ रहे हैं, डीएनए और आपका आरएनए। अब हम देखते हैं कि इनके बारे में अंतर, तो न्यूक्लिक एसिड में आपको ध्यान रखना है जो पहला प्रकार हो गया हमारा नाम से। अब दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें शर्करा के बारे में, तो शर्करा की बात करें जाए, क्योंकि नाइट्रोजीनस जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं, आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स में आपको तीन भाग मिलेंगे, तीन भागों में बटा होता है जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो तीन भागों में बटा होता है। एक को हम कहते हैं फास्फेट, फास्फेट ग्रुप, दूसरे को कहते हैं पेंटोज सुगर, और तीसरे को कहते हैं नाइट्रोजीनस बेस। ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो आपका न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना है, आपका हो गया न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, तो जनरली आपको ध्यान रखना है शॉर्ट में, जैसे न्यूक्लिक एसिड तो आप कहोगे फास्फेट पेंटोज सुगर है आपका, और नाइट्रोजिनस बेस है, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, तो आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो फास्फेट होता है वो दोनों में ही आपको सेम मिलेगा, डीएनए आरएनए दोनों के अंदर, लेकिन जैसे ही हम इसकी बात करें पेंटोज शुगर की, तो यहां पर आपको कौन सी शुगर मिलेगी, तो आप कहोगे जो डीएनए होता है
डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है, पाई जाती है। देखो डी है तो डी ऑक्सी लिख दिया और राइबोज शुगर पाई जाती है इसमें, इसकी बात करी हमने पेंटोज शुगर में। और यहां पर आपको ध्यान रखना है आरएनए में, आरएनए में आपको ध्यान रखना है राइबोज शुगर पाई जाती है। इसमें आपको राइबोज शुगर पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या मिलेगी? राइबोज शुगर, और इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या बनता है इसमें, ये क्या है आपके, अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है आपको ध्यान रखना है, ये डीएनए है और आरएनए है, यही तो प्रकार है डीएनए आरएनए। और न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या मिलते हैं? फास्फेट और पेंटोज। अब इन दोनों की बात हो गई, ये तो आपको डीएनए और आरएनए में दोनों में सेम मिलेगा, लेकिन ये क्या हुआ, ये चेंज मिलेगा। डीएनए में आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगी, आरएनए में राइबोज शुगर मिलेगी। अब बात करते हैं यहां पर नाइट्रोजिनस बेस की, तो नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में भी होंगे आरएनए में, लेकिन यहां पर नाइट्रोजिनस बेस को आपको ध्यान रखना है, यहां पर लिख देते हैं नाइट्रोजिनस बेस। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन। अब इसमें आपको ध्यान रखना है प्यूरीन में क्या क्या होते हैं? एडेनिन और गुआनिन। और यहां पर आपको ध्यान रखना है तीन होते हैं, थायमीन, यूरेसिल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये चार प्रकार के आपको देखने के मिलेंगे डीएनए में भी नाइट्रोजिनस बेस, वैसे कितने हो रहे हैं आपको? एडेनिन, यहां पर एक एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, यूरेसिल और एक और होता है साइटोसिन। ये तीन होते हैं, पांच होते हैं टोटल, लेकिन आपको डीएनए आरएनए में चार चार मिलेंगे। अगर बात करें नाइट्रोजिनस बेस की कितने हैं? एक दो तीन चार पांच, पांच हैं, लेकिन आपको डीएनए आरएनए में चार चार मिलेंगे। तो चार चार कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस चार होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एडेनिन, दूसरा आपको ध्यान रखना है गुआनिन, तीसरा आपको ध्यान रखना है थायमिन, चौथा आपको ध्यान रखना है साइटोसिन। ये चार होते हैं, लेकिन यहां पर बात करें आरएनए में, तो आरएनए में भी आपको चार मिलेंगे नाइट्रोजिनस बेस। आपको ध्यान रखना है कितने होंगे? चार होते हैं। अब चार कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर एडेनिन, गुआनिन और थायमीन की जगह पर आपको ध्यान रखना है यूरेसिल और साइटोसिन। तो देखो अंतर हो गया, क्या अंतर हो गया? नाइट्रोजिनस बेस में यहां पर सेम था, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। देखो एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, लेकिन यहां पर देखो यूरेसिल और थायमीन। अंतर हो गया कि आपको डीएनए में क्या मिलेगा? थायमीन मिलेगा, जबकि आरएनए में यूरेसिल मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, चार इसमें भी होंगे, चार इसके अंदर भी होंगे। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो डीएनए होता है आपका,
डीएनए आपको कहां प्राप्त होगा, तो आपको ध्यान रखना है डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। जबकि यह केंद्रक के बाहर मिलेगा आपको। आरएनए कहां मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है आरएनए केंद्रक के बाहर, और बाहर कहां आपको ध्यान रखना है, अथवा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पाया जाता है। पांचवा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसी में, जो डीएनए होता है आपका, ये केंद्रक के अंदर मिलेगा डीएनए, और वो कहां मिलेगा, साइटोप्लाज्म में। डीएनए पांचवा नंबर, डीएनए सभी सजीवों का या सजीवों में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुवांशिक पदार्थ का कार्य कैसे करेगा, तो आपको ध्यान रखना है डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। जो जाते हैं वो गुणसूत्र ही जाते हैं डीएनए, तो ये आपको एक पीढ़ी से दूसरी, लेकिन सभी सजीवों में ऐसा होगा। लेकिन यहां पर आरएनए कुछ विषाणुओं में, कुछ विषाणु में ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, का कार्य करता है, करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिक्स पॉइंट आप लिख सकते हो इसी में, जो डीएनए हमारा होता है, तो डीएनए आप देखते हो सिंगल भी होता है, डबल भी। तो ज्यादातर इसमें दो रज्जु होते हैं। जब आप डीएनए की संरचना ऐसे करके देखोगे तो इसमें दो रज्जु मिलेंगे, थ्री डैश, ये आया थ्री, तो ये फाइव डैश होगा, ये फाइव डैश है तो ये थ्री डैश होगा, तो इसे कहते हैं दो रज्जु। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, दो, एक मतलब दो आए हैं ऐसे करके। यहां पर आप लिख सकते हो डीएनए दो रज्जु होता है, जबकि आरएनए की बात करो एक रज्जु संरचना होती है। आपको ध्यान रखना है आरएनए क्या होती है, एक रज्जु संरचना होती है। संरचना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डीएनए आरएनए में अंतर। तो ये हमारा अंतर है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को कौन सी शुगर पाई जाती है, ये आपको शुगर है। ये आपको अलग से, ये तो अंतर बताया क्योंकि ये आपके हिस्ट्री है। अगर डिटेल से आप पढ़ना चाहें तो डिटेल में आप जब पढ़ोगे शुरू से, तब आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है, और ये चीज क्या होती है। डीएनए जो आपका आता है डीएनए में, नाइट्रोजिनस बेस, ग्वानिन, साइटोसिन, और ये आपका बेस होता है जो आप पढ़ोगे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोटाइड्स तीनों चीजों को मिलाकर, आप कहोगे फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। ऐसी क्वेश्चन एक और आता है आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो आपको दो चीजें यहां पर ध्यान रखना है। न्यूक्लियोसाइड में तीन चीजों में से एक चीज गायब हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। डीएनए आरएनए में अंतर मिलेगा ही क्वेश्चन। तो ये था हमारे डीएनए आरएनए